वोट का चोट, ये हम लोग इंटेलेक्चुअल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है बोकारों के, जो इतना दिन से यहाँ के डेवलपमेंट पांच स्टॉप सर बनाया था और बीच में नहीं बन पाया, 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, तो अभी एक माहौल है, 10 साल बहुत सरकार के लिए होती है और उसी में हम लोग एक किए हैं जो अभी अब न प्रधानमंत्री हैं न सांसद हैं पूर्ण रूपेण, और वह एक प्रत्याशी हैं, और ऐसे ही समय में अब जनता ही मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता देवतुल जैसा भाषण में लोग बोलेंगे, तो जनता आप अपने को समझिए, जो कि सिर्फ उनके एक तरफा भाषण मंच से मत सुनिए, और सच्चाई जो है बोकारो की, जो जनता 5 साल परेशान रहते हैं अलग अलग टुकड़े में, वो अपनी आवाज़ आप बुलाएंगे, अपनी आवाज़ बुलाएंगे, बोलेंगे अभी समस्या, तभी कोई सरकार जो बनेगी प्रत्याशी के खाली कह देने से नहीं होता है, उसकी जो पार्टी है, उसकी पार्टी जो है आप पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहाँ तक अगर वह बात जाती है और मंच से अगर उसका वचन होता है, तब हम लोग जो एक साथ जो वचन देंगे प्रत्याशी या उनके नेता, तभी हमारा आपकी बात वह सुनेंगे, नहीं तो ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा में आप बात करते रहते हैं समस्या का, वो लोग उपेक्षा करते हैं, सुनते नहीं। तभी हम लोग आपको बता दें वोट का चोट क्यों, ये देखिए, क्योंकि एक ये है अटल कलाम ड्रीम लैब, ये सिटी थाना के सामने में है, 49 मुफस्सिल थाना के सामने में है, और यहाँ पर बिंदेश्वर शर्मा जिनके पिताजी और दादा चाचा दोनों मुखिया थे नवाडी गांव के, बहुत प्रतिष्ठित परिवार के, उन्हीं का मकान है, अब पूरा फ्लोर हम लोगों का ये 3 साल से लिया हुआ है। सुन करके आपको दुख होगा और आश्चर्य भी, जो हम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स, मतलब मोदी जी की जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो बार बार ये करते दोहराते हैं, रिफॉर्म्स परफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म का बहुत अच्छा मंत्र है और सही में है, रिफॉर्म्स सरकार करती है, परफॉर्म उसके जो ये बाबूज हैं बीच में वो नियम और कानून बना करके नीचे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को भेजते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑन द ग्राउंड जिसके लिए पूरा चुनाव होता है, पूरा हंगामा होता है, ये पक्ष और वो पक्ष, वो एक ही है जो वो योजना का धरातल पर बोकारो के ऐसे जगह पर 10 साल के बाद क्या मिला, ये हर एक के मन में है और हर एक की बात होती है, लेकिन ये एक तरफा जब भाषण देते हैं मंच पर तो वहाँ कोई नहीं कहेगा जो कि ये 10 मंच हो गया, जितना होता है वही बताते हैं। जैसे एक दहेज में अगर कार और मकान और मोटरसाइकिल और छोटा छोटा सामान हो तो ये कमेंट वेंट करके शादी हो जाती है, क्या बंद हो गया, हेलो बंद हो जाता है, तो उस तरह से अगर छोटा छोटा मकान 50 के बदले और पैकेज दे दे और आपको गाड़ी नहीं दे, कार नहीं दे, दे नहीं दे, तो उसी तरह की ये मोदी सरकार है, और सरकार हमारा पार्टी की बात नहीं, जो सरकार जब रहती है उसी से प्रश्न किया जाता है, बहुत से लोग पूछते हैं जो कि ये सिर्फ बीजेपी या मोदी जी को क्यों, तो सरकार ये भी थी जब मनमोहन सिंह तो सरकार ही को कहा जाए था तभी बदलाव हुआ, और सरकार अगर प्रधानमंत्री ऑनेस्ट थे मनमोहन सिंह तो जो विभाग काम किया गलत तो उसका जिम्मेदारी उस सरकार पर पड़ी, मनमोहन सिंह पर भी पड़ी और तभी सरकार गई। उसी तरह से मोदी जी अगर जो भी किए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कैसा खुलासा हुआ है जो जिसमें